हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? देखो कालू भी हेलो कह रहा है आपको। दोस्तों ऐसा है, ये आज मेरे साथ है अरुण भाई। ये गीता कॉलोनी का एरिया है और ये पड़ता है साई भवन, जो साई मेमोरियल है। यहाँ पे ये फीडिंग करते हैं, देखो काफ़ी सारे डॉग्स को खाना वाना खिलाते हैं ये और आते रहते हैं। दोस्तों आज मेरे सामने इनकी एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई और जिस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये बेचारे काफ़ी दुखी लगे। एक्चुअली ऐसा था, इनका एक छोटा सा एक बेचारा डॉगी था जो कि ये मतलब काफ़ी टाइम से फीड करते थे। आप उसकी वीडियो दिखाओ अरुण भाई। तो वो बच्चा जो है वो किसी को पता नहीं था, या ये कह लो कि वो इलाज करने के लिए ले गया, उसने किसी शेल्टर में जमा करा दिया। वो शेल्टर वालों ने भी वो कह दिया कि हमारे पास डॉग नहीं है, वो भाग गया। ये देखो ये वाला डॉग है वो, और ये काफ़ी समय से कब की घटना है अरुण भाई? 3 महीने हो गए, 5 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे। 3 महीने हो गए। इस पर्सन ने 200 किलोमीटर एक दिन में गाड़ी चलाई दोस्तों, और इतना रोया मैं क्या बताऊँ। इसके भावनाओं को आप समझ सकते हैं कि ये अपने बच्चे को ढूंढने के लिए कितना परेशान हुआ होगा। ये बच्चा है। तो शेल्टर का नाम क्या था और क्या जी कौन सी जगह थी अरुण भाई? पीपल फॉर एनिमल था, पीपल फॉर स्ट्रे एनिमल। तो और कहाँ पे था जी? नियर बाय अर्थलिंग, नोएडा 115 सेक्टर। नोएडा 115 सेक्टर था। और उनके ओनर का कोई नाम था क्या? शिवम। शिवम, आपने उनसे बात करी क्या शिवम से इस बारे में? बात करी पर वो रिस्पॉन्स नहीं, वो तो हो गया पहले अपने को गाली गलौज अब्यूजिंग को आ रहा था। देखिए दोस्तों ऐसा है कि कुछ भी कारण हो सकता है उस टाइम, मतलब ऐसा माहौल होता है कई बार कि भाई कुछ समझ नहीं आता है, या ये कह सकते हो कि भाई इनको भी थोड़ा गुस्सा आया हो। मगर अगर वो बच्चा अभी भी शिवम के पास है या किसी के पास भी अगर वो बच्चा हो, तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि देखिए सब एनिमल लवर हैं हम सब, आप भी एनिमल लवर हैं, तो इनको इनका बच्चा दिलाने में बहुत मदद करें। क्योंकि आज भी मैं देखा इनकी बात करते हुए ना, इनकी आंखों में आंसू आ गए उस बच्चे के बारे में सोच के। दोस्तों कभी भी कोई भी जानवर हो, ये देखो ये बच्चे हैं सारे के सारे, तो कभी भी किसी को भी अगर आपने ट्रीट करना है तो कोशिश ये कीजिए कि आसपास वालों से पूछ लो कि इसका कोई इलाज कर रहा है, कोई इसको देख रहा है, कोई खाना खिला रहा है। आप किसी डॉग को उठा के सीधा शेल्टर में मत भिजवाओ। शेल्टर सिर्फ उन डॉग्स के लिए होता है जिनका कोई मतलब चारा नहीं बचता, कोई लाचार हो जाते हैं, रोड पे एक्सीडेंटल होते हैं। नहीं रहा कि डॉग गया कहाँ पैसे जनरेट करने के लिए, सिर्फ मनी जनरेट करने के लिए डॉग पिक कर लिया। तो मेन कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ पे कैसे, मतलब ये भी इनको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि भाई वो डॉग का मतलब हुआ क्या क्या नहीं हुआ। हम देखिए गलत किसी के बारे में नहीं बोलते, लेकिन फिर भी जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अभी भी अगर वो डॉग किसी के पास हो तो मैं ये चाहूँगा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो इनको ढूंढने में इनकी मदद करें, क्योंकि ये और इनका परिवार उससे बहुत मतलब अटैच्ड है। इन्होंने 3 महीने तक क्या करा था भाई उसको? घर पे रखा था, अपने रूम में रखा, उसकी पॉटी उठाई और सिर्फ 15-20 घंटे के लिए उसको बाहर छोड़ा, और वो बेचारा जो है कोई उठा के उसको ले गया। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो आपके साथ साथ ना डॉग के भी इमोशंस जुड़े होते हैं अपने मालिक से। डॉग के भी इमोशन जुड़े होते हैं। कभी भी किसी कुत्ते को आपने ट्रीटमेंट देना हो, कुछ भी होना हो, आसपास से पूछ लो कि कोई ट्रीटमेंट तो नहीं दे रहा। अगर कोई ट्रीटमेंट दे रहा है तो आप उसको ट्रीटमेंट दोबारा दोगे तो यार वो ऑलरेडी वो डबल डोज से मर जाएगा, उसकी किडनी और लीवर फेल जाएंगे। सही कह रहा हूँ मैं भाई? एकदम राइट। उसके बाद ये कह रहे हैं ऑलरेडी उसको बहुत ट्रीटमेंट में दिला चुका था, वो हेरिडेटरी था, वो गंजा था, मतलब उसके बाल नहीं आ सकते थे। तो आप उसको कैसे जबरदस्ती मतलब वो ठीक करने के लिए किसी शेल्टर में छोड़ सकते हो? तो अगर शेल्टर वालों से भी मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि आप भी पशु प्रेमी हैं, हम भी पशु प्रेमी हैं, अगर हो सके तो इनका डॉग ढूंढने में मदद कीजिए। ये बेचारे उस चीज़ को लेके बड़े मतलब दुख में है आज की डेट में भी, और मतलब इनका मन की स्थिति को मैं बयान नहीं कर सकता। और दोस्तों आप सबसे भी यही आशा है, आगे हम एक पट्टे का निर्माण भी करने जा रहे हैं जिसमें कि अगर कोई भी कुत्ता जिसका ट्रीटमेंट चल रहा हो तो उसके ऊपर बकायदा अंडर ट्रीटमेंट लिख के आगे वॉलंटियर का नंबर लिखा जाएगा, ताकि कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले दूसरा बंदा उसको संपर्क कर सके, उसको पता चल जाएगी अंडर ट्रीटमेंट है। सही कदम है भाई? एकदम राइट। तो इसलिए दोस्तों इस कदम को जैसे ही इंप्लीमेंट होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। बाकी ये वीडियो आप सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, हो सकता है इनका डॉग मिल जाए और उसकी दुआएं बिचारी आप सबको हम सबको मिले। और मेरी भी वीडियो बनाने का यही निष्कर्ष है कि मतलब जो उद्देश्य है कि भाई इनका डॉग इनको एज सून एज पॉसिबल मिल जाए, क्योंकि थोड़ा सही से आप देख लेना। अगर वीडियो में आपको डॉग ना दिख रहा हो तो एक बार दोबारा देख लो आप। ये दूसरी वीडियो कोई दिखा दो जिसमें थोड़ा सा क्लोजअप हो। ये दूसरी वीडियो देख रहे हैं, ये देख लो, ये उस टाइम की वीडियो है जब उसको एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। एम्बुलेंस का नाम क्या था भाई? एम्बुलेंस के ओनर का नाम था इकबाल। इकबाल एम्बुलेंस से गई थी ये। तो कृपया करके अगर इकबाल एम्बुलेंस को भी कोई जानकारी हो तो वो इसको मतलब इस डॉग के बारे में संपर्क करें। ये नंबर कृपया करके इनको संपर्क करें, अगर इनको भी कोई जानकारी है इकबाल एम्बुलेंस को मिलती है तो कृपया करके इनको संपर्क करें। आप अपना नंबर बोल दो भाई एक बार। 9268 9268 7979 2725 2725। आपका नाम? अरुण। अरुण
तो कृपया करके ये डॉग कभी भी किसी को दिखे दोस्तों, कैसा भी हो इनको संपर्क जरूर कीजिए। एक मानवता के नाते, एक पशु प्रेमी के नाते आपकी बहुत बड़ी सेवा होगी। ये बेचारे आज मेरे को बहुत दुखी दिखे, इसलिए फिर वीडियो बनानी पड़ रही है। ये देखिए बच्चा ये है, और अच्छा कि इस वीडियो के बाद इनका डॉग मिलने में या उसके बारे में सही जानकारी मिलने में कुछ हमें हेल्प मिल जाएगी। इसी भावना के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।